हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुशी की रेसिपी। और आज हम बनाने जा रहे हैं फुल तंदूरी चिकन और बिना ओवन के। और मैं पैन में बना के दिखाऊंगी आपको फ्राई करके, और आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा रेस्टोरेंट खाने के लिए। मेरी तरीके बनाए, मैं भी बाहर नहीं जाती हूँ खाने इस बरसात के मौसम में। और मैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊँगी बनाना। सो आइए चलते बनाते हैं हमारा फुल चिकन। फुल तंदूरी चिकन बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने ये 1.5 किलो का मेरा चिकन है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह है पूरा। और आइए इसमें कट लगाते हैं, जिससे कि हमारे मसाले अच्छे से अंदर जाएं। इस तरह कट लगा लें फ्रेंड्स, इस तरह फ्रेंड्स हमारे कट्स लग चुके हैं। और आइए इस तरफ पलट देते हैं, टांग में भी कट लगाने फ्रेंड्स, ये देखिए, इससे हमारा जल्दी पकेगा भी और सारे मसाले अंदर भी चले जाएंगे। यहाँ पे भी लगा देते हैं थोड़े से, दो कट, ये देखिए फ्रेंड्स। आइए इसके लिए मसाला बनाते हैं। 2 चम्मच प्याज, हमारा प्याज का पेस्ट 2 चम्मच फ्रेंड्स डालना है। और 1 चम्मच डालना है लहसुन का पेस्ट, और 2 चम्मच डालने हैं अदरक का पेस्ट, ये देखिए फ्रेंड्स। और हमको डालना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच पूरा भर के लाल मिर्च पाउडर, और गरम मसाला 1/2 चम्मच। इसी में फ्रेंड्स कुटी हुई काली मिर्च भी है, ये देखिए इतना बस। और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर भुना हुआ मैंने पीस के रख लिया है अभी इतना। और डालते हैं फ्रेंड्स दही 2 चम्मच, ये देखिए। और थोड़ा सा डालते हैं फूड कलर, क्योंकि हमारा चिकन थोड़ा अच्छा लगे दिखने में इतना। और इसे मिक्स करते हैं। और फ्रेंड्स 1 चम्मच भर के नमक, और आधा और ये, और थोड़ा सा डालते हैं थोड़ा सा तेल इतना, और इसे मिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड्स इसमें और डालते हैं 1/2 नींबू का रस, ये देखिए, इसके सारे बीज हटा के 1/2 नींबू का रस डालना है, और इसे मिक्स कर देना है अच्छे से। ये मसाला हमारे चिकन पे लगेगा, आइए लगाते हैं मसाला चिकन पे। फ्रेंड्स ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है, और इसको चिकन के ऊपर अच्छे से लगाना है, कम से कम 4-5 मिनट खूब अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जहाँ मैंने कट किए हैं वहाँ भी लगाना है। अच्छे से खूब इसमें लग जाएगा मसाला फ्रेंड्स। और इसको मसाले को लगा के आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और नहीं तो 1-2 घंटे भी काफ़ी है। ओवरनाइट रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ही बढ़िया जूसी टेंडर बनेगा आपका चिकन। मैं भी ओवरनाइट के लिए रखूँगी सारी जगह, ये सारी टांगों में यहाँ वहाँ सब जगह इसकी मालिश करनी है फ्रेंड्स। सारा मसाला लगाना है, इसके अंदर भी लगाना है मसाला। फ्रेंड्स ये हमारा मसाला अच्छे से लग चुका है, ये देखिए फ्रेंड्स मसाला हमारा अच्छे से लग चुका है, ये देखिए फ्रेंड्स। और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी ये हरी धनिया इसके अंदर, और ये थोड़े से प्याज क्यूब में कटे हुए, ये देखिए, और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च, और ये 1 टमाटर, इसे के अंदर डाल देना फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसके अंदर
एग भी डाल सकती हैं, एग भी अच्छा लगता है खाने में, इसके सारे जूसेस इसी के अंदर रह जाएंगे। अब मैं इसे दोनों टांगों को किसी धागे से बांध दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने इनको दोनों टांगों को अच्छे से धागे से बांध दिया है और इनको भी इसके अंदर खोस देते हैं। अब इसे रख देते हैं ओवरनाइट के लिए। फ्रेंड्स, मैंने फ्रिज से ये अपना चिकन निकाल लिया है और आइए डालते हैं पैन में थोड़ा सा तेल। थोड़ा डालना है फ्रेंड्स, इतना, ज़्यादा नहीं, और इसमें कुछ नहीं डालना तेल में। और अपने इस चिकन को पकड़ के, अच्छी इसको पकड़ के मैं इसके अंदर रख देती हूँ ऐसे। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने रख दिया इसके अंदर और इसको ढक देते हैं और पाँच मिनट इधर पकाते हैं, 5 मिनट उस तरफ पलट के। अभी तो 5 मिनट इधर पकाना है। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए, आई देखते हैं इसको खोल के। ये अच्छे से हो गया है। और फ्रेंड्स, अब इसको पलट देना है। ये ऊपर ज़्यादा गर्म नहीं, मैं हाथ से पलट देती हूँ। ये देखिए, वाह। और 5 मिनट इधर भी लीड लगा के पकाना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, 5-6 मिनट इधर भी हो चुके हैं और आइए खोल के देखते हैं। वाह, हमारी खुशबू चिकन से बहुत अच्छी आ रही फ्रेंड्स। और ये अच्छे से पक भी चुका है। और फ्रेंड्स, इसके जूसेस इसके ऊपर डाल के 2-3 मिनट और पका लेते हैं इस तरह। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही लजीज हमारा चिकन बना हुआ है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप घर पर ही बना के खा सकते हैं, अपनी फैमिली को खिला सकते हैं इस तरह। और देखिए, ये रेस्टोरेंट से भी अच्छा बना हुआ हमारा चिकन। ये देखिए फ्रेंड्स, और आइए इसको, 2 मिनट तो हो चुके हैं, पक गया मेरा अच्छे से। और आइए इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैं कुछ इस तरह भी पकाऊंगी। फ्रेंड्स, इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ से पकड़ते हैं इस तरह। और मैंने इसको अलग रख लिया था कि थोड़ा पकड़ते बने, और इसके ऊपर रखते हैं स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। फ्रेंड्स, इसको पकने देते हैं 2-3 मिनट इस तरह, 2-3 मिनट उस तरह। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मक्खन भी लगा देते हैं इसके ऊपर। मक्खन लग चुका हमारा फ्रेंड्स, अब पलट के उस तरफ भी लगाएंगे। फ्रेंड्स, इसको पलट देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्मोकी चिकन फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में, खाने में तो और भी होगा। इस तरफ भी थोड़ा मक्खन लगा लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, हमारा मक्खन लग चुका है, हमारा ये चिकन भी खूब अच्छे से पक चुका है। सो आइए इसे फ्रेंड्स सर्व करते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर सर्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब तक ये हमारा पक रहा है, थोड़ी सी चटनी पीस लेते हैं। हमने थोड़ा प्याज डाला है, थोड़ी सी लहसुन डाला है और थोड़ी सी हरी धनिया डाली हुई है और थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमारा चिकन बहुत चटपटा मसालेदार है। और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बस इतना। और इसको पीस लेते हैं। चटनी हमारी पीस चुकी फ्रेंड्स, ये देखिए, इसको बॉल में निकाल लेते हैं। चटनी तो कोई ज़्यादा खाएगा ना, इसे ही इतना टेस्टी है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी पीस ली है। अब ये ठंडा हो चुका है फ्रेंड्स, इसको आइए रखते हैं, डेकोरेट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन रखते हैं। चिकन हमारा बहुत गर्म है और इसी के ऊपर से पिघलते हुए जाएगा नीचे।
और ये मैंने हरी चटनी आपको बताया मैंने पीसी है, और ये सॉस है फ्रेंड्स, और ये प्याज है इतना, और हरी धनिया से सजाते हैं इसको। बस इतनी, और फ्रेंड्स दो नींबू रखते हैं क्योंकि खट्टा ही अच्छा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हमारा ये फुल चिकन और स्मोकी चिकन, फुल चिकन और तंदूरी चिकन, सब तरीके का चिकन है। और आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरी डिश को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स देखिए ये अच्छे से पक चुका है, बहुत ही अच्छे से, बस इसको खाना बाकी है।